आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंसी साइंस में स्वागत है। आज हम आपको कुछ नेम रिएक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पेपर में हमेशा आता रहता है और उसको आपको ध्यान से सुनना और समझना भी है। जैसे हम यहाँ पर आपको लिखे हैं एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है और इसका रिएक्शन कैसे चलता है, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। एल्डोल कंडेंसेशन जैसे ही आए वैसे ही हमें हमेशा याद रखना है अल्फा हाइड्रोजन के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन वही देते हैं जिनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा वह एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो एल्डोल कंडेंसेशन हम रिएक्शन करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और हमेशा याद रखना है कि डाइल्यूट NaOH, ये हमें इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। और जो प्रोडक्ट बनता है वो आपको जो पहले इसमें ध्यान रखना है कि एल्डोल बनेगा, उसके बाद क्रोटोनल डिहाइड बनता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और कई कई बार बोलता है कि क्रोटोनल डिहाइड बताइए किस मेथड से आप बनाएंगे, तो आप बताएंगे एल्डोल कंडेंसेशन में। तब पहली बात आपको याद हो जाना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट, कि अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है ये भी हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कौन से कंपाउंड रखते हैं। जैसे आप याद रखिएगा, हमने ऐसे लिख दिया RCHO, तो पहली बात है एल्डिहाइड, अगर R की जगह हमने सपोज दैट H लगा दिया तो यह CHO, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये कंसेप्ट हम आपको अभी सिखा रहे हैं। देखिए इसमें कैसे पता लगाएंगे, आपको हमेशा पहले ही याद रखना है कि जो हम बता रहे हैं नियम उस पर ध्यान रखना है। हमेशा कार्बन आपको मालूम होना चाहिए चार बॉन्ड से ज्यादा नहीं रखता। देखिए फॉर्मल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर हमने इसको यहाँ पर बना दिया, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से लग गया। अब इस कार्बन जो ये कार्बन है इससे अटैच कार्बन कोई है नहीं है, इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आप लिखेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब दूसरा हम आपके सामने, अगर और भी ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन अभी आपको बस इतना ही याद रखना है कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये आगे हम आपको जब कैनिजारो बताएंगे वहां बताएंगे, अभी आप फॉर्मल्डिहाइड पर ही केवल यहाँ ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर यही R की जगह हमने ऐसे कर दिया CH3CHO रख दिया, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, ये हम जान सकते हैं। देखिए फिर वही नियम आपको बताएं, जैसे वैसे ध्यान रखेंगे। फिर एक कार्बन, इस कार्बन पर आप देख रहे हैं HH ऐसे लगा हुआ है, इस तरह आप देखेंगे जो ये कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस कार्बन से अटैच होता है उसके कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन हो गया, और इससे अटैच कितने हाइड्रोजन है, थ्री है, तो इस तरह इसके पास थ्री अल्फा हाइड्रोजन हो गए, इसका मतलब यह एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो आप देख रहेंगे कि एसिटाल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ NaOH रिएक्शन किया, तो ये जो एल्डोल पहले बनता है कैसे बनता है, फिर क्रोटोनल्डिहाइड कैसे बनता है, इसको रिएक्शन मैकेनिज्म के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देख रहे होंगे पहले इसमें हमने आपको यहाँ पर मैकेनिज्म समझाया, हो सकता है यहाँ पर ना समझ में आ रहा हो, तो पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बनता है। आपने CH3 ले लिया, अब इसको आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने एच, और यहाँ पर CH2CHO, ये दोनों एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एस्टाल्डिहाइड, ये भी एस्टाल्डिहाइड है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ऐसे खींच लेगा तो इसको प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस। और यहाँ पर भी हमने बताया है, आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको इलेक्ट्रोनिगेटिव से कम है, तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन जो कुछ इस तरह चला जाएगा, इस तरह इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर क्या जाएगा निगेटिव चार्ज। तो अब ये निगेटिव चार्ज किसके पास जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहेगा, इसके पास, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है किसके आसपास आना चाहेगा, निगेटिव चार्ज के पास आना चाहेगा। इस तरह आप देखेंगे कि कुछ इस तरह आप ध्यान दे रहे होंगे ऊपर, जैसा कि हमने बनाया हुआ है OH, यहाँ पर H, और ये CH2 अगर लिखना है तो हम CH2 को H ऊपर लिख देते किसी कारणवश, फिर इसको नीचे आप H लिख दीजिएगा, फिर ऐसे CH2 लिख लीजिएगा। कारण बता रहे हैं क्या है, हमें यहाँ पर क्या होता है कि जो डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का मालिक्यूल निकल जाता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे वाटर का मालिक्यूल निकल जाएगा, इस तरह यह CH3CH, और जैसे ही निकलेगा तो आप जान रहे हैं कि हाँ ये बॉन्ड की कमी है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, इस तरह यह प्रोडक्ट बन जाता है। इस तरह आप देखेंगे कि यहाँ क्रोटोनल डिहाइड बनता है, यही क्रोटोनल डिहाइड हमेशा याद रखना है, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल। अभी आपको हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे हम करेंगे। अभी इसके वाला आपको ऐसे एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बस ऐसे बता दे रहे हैं।
क्रॉस लिंक कंडेंसेशन होता है जो है उसमें टू डिफरेंट एल्डिहाइड होते हैं, उसे हम के क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन कहते हैं। और एल्डॉल कंडेंसेशन में दोनों आप देख रहे हैं एल्डिहाइड एक ही है। जैसे आप यहाँ पर जो बातें देखी लिखा टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, तो जो यहाँ पर डिफरेंट एल्डिहाइड भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से मान लो एक एस्टरडिहाइड एक प्रोपनलडिहाइड दोनों लेकर कर सकते हैं, वो आपको हम बाद में बताएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा एल्डिहाइड या कीटोन आर कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम ट्रीटमेंट विद द डाइल्यूट NaOH, हमेशा NaOH अक्सर देता है इसलिए इसी को याद रखना है। और फिर अंडरगो कंडेंसेशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, दोनों में से कोई भी बन सकता है। इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, एल्डॉल कंडेंसेशन कहेंगे। इस तरह हमने आपको एल्डॉल के बारे में जानकारी दी थी। कैनिजारो उसका जस्ट अपोजिट होता है। कैनिजारो में हमेशा याद रखना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। देखिए एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और याद जब यही याद रखेंगे कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, तभी आप इस चीज को भूलेंगे नहीं कभी भी, तभी आप सफल होंगे, वरना आपका गलत हो जाएगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें देखिए अल्कली लिखा हुआ है, लिखा ना अल्कली सोल्यूशन, अल्कली सोल्यूशन लिखा विद कंसंट्रेट अल्कली सोल्यूशन लिखा हुआ है, वहां क्या था डाइल्यूट था, यहाँ पर क्या है कंसंट्रेट लिखा हुआ है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें आगे आपको कैसे मैकेनिज्म है वो आपको बता दे रहे हैं। और किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वहाँ एक कंसेप्ट बता दिया था जैसे फॉर्मल्डिहाइड के बारे में बता दिया था, और यहाँ बेंजल्डिहाइड भी लिखा हुआ है हमने। और बेंजल्डिहाइड में तो आप फॉर्मल्डिहाइड में समझ सकते हैं, बेंजल्डिहाइड में भी हो सकता है, आप जरूर समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो तो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये भी कैसे होते हैं। जैसे आप ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं आप सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ए एच हो जाता है। अब हमने बताया है कि ए सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर कार्बन है। अब इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ एक कार्बन होता है, बेंजीन रिंग में आपको जो पढ़ाते हैं तो ऐसे लिखा रहता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी छिपा रहता है जो दिखता नहीं है, और ये हाइड्रोजन हट जाता है तब उसको हम फिनाइल बोलते हैं, तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ से कार्बन से अटैच हो जाता है। अब इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचता है, इसलिए इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरी बात इसमें भी आप देख सकते हैं कि देखिए इसका भी स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो CH3 ऐसे ऐसे आप अटैच करेंगे CH3, अगर आप देखेंगे जो CHO लिखा हुआ है इसका C डबल बॉन्ड O इसे अटैच है, तो आपको मालूम होना चाहिए इससे जो कार्बन अटैच है क्या इसके पास जो इसके बगल वाला जो कार्बन है इसके पास बताने जा रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जो ए वाला कार्बन है इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इस तरह जो है कि आप इसमें बता देते हैं कि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस तरह इसमें भी बता देते हैं। तो आप जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो जो है कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें आप जो समझाएं ना समझ में आए तो इसको स्ट्रक्चर बनाकर आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं CH3, हमें लगा है कि कहीं कन्फ्यूज आप ना हो जाए कि ऐसे आपने बताया नहीं, इसको ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से अटैच ये जो कार्बन है ये वाला कार्बन है इससे अटैच कार्बन ये है, तो यहाँ पर कोई क्या हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है इस कार्बन नहीं, सारे CH3 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। इस तरह आप जान जाएंगे कि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए क्या देगा कैनिजारो रिएक्शन। तो आप देखिए फॉर्मल्डिहाइड आपको देख रहे हैं और बेंजल्डिहाइड आप देख ही रहे हैं, इसमें भी अगर एल्डिहाइड किसी का कन्फ्यूजन हो तो ऐसे लिख लिए RCHO लिख दीजिएगा, R की जगह जब H लिख देते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाता है, जब आप C6H5 लिख देते हैं फिनाइल ग्रुप लिख देते हैं तो ये बेंजल्डिहाइड हो जाता है, इस तरह एल्डिहाइड बनते हैं, आपको सिखा देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और NaOH, यहाँ पर कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है जो आपको इसमें आगे हम बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक जो है ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा क्या होता है रिड्यूस होता है, यहाँ पर देखिए लिखा है रिड्यूस और एक लिखा हुआ ऑक्सीडाइज। जो आप एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसमें से एक जो है कि ऑक्सीडाइज जाएगा दूसरा रिड्यूस जाएगा, आपको जब हम पढ़ाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल पढ़ाएंगे तो वहां आपको दिखाएंगे भी कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है कैसे रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, तो आप देखें जो फॉर्मल्डिहाइड है जो रिड्यूस होगा
वो तो एल्कोहल देगा, जो ऑक्सीडाइज होगा वो एसिड देगा। ये बात का हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों का कि जो एक ऑक्सीडाइज होता है दूसरा रिड्यूस होता है। किसमें? कैनिजारो रिएक्शन में। फॉर्मल्डिहाइड जब रिड्यूस होगा तो एल्कोहल देगा, ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड देगा। इसी तरह अगर कि बेंजल्डिहाइड लेंगे तो एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा, जो रिड्यूस होगा वो बेंजाइल एल्कोहल देगा, जो ऑक्सीडाइज होगा वो सोडियम बेंजोएट, यहाँ पर सोडियम लगा रहता है तो आपको सोडियम सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है आपको पता ही है। और यहाँ पर जो क्रॉस लिखा हुआ है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन लिखा हुआ है, इसमें भी क्या होता है, टू डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं, टू डिफरेंट एल्डिहाइड। देखिए आप एक लिए हैं कौन सा, बेंजल्डिहाइड लिए हैं और दूसरा क्या लिए हैं, फॉर्मल्डिहाइड। और यानी लेंगे तो फिर वही बात आ जाएगा, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा। तो ये वाला देखिए जो है रिड्यूस हो गया, ये वाला क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस तरह आप देख रहे हैं बेंजाइल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बना। तो कैनिजारो रिएक्शन को हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक ऑक्सीडाइज होता है दूसरा रिड्यूस होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो एसिड देता है, जो रिड्यूस होता है वो एल्कोहल देता है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। इस तरह आपको कैनिजारो हमने बता दिया। अब आपको बताने जा रहे हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन के बारे में। कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या होता है, लिखा देखिए, व्हेन ए प्राइमरी एमीन वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक इज वार्म विद क्लोरोफार एंड एल्कोहलिक क्यूएच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफार्म हमेशा याद रखना है, एल्कोहलिक क्यूएच। इट फॉर्म एन आइसोसाइनाइड लिखा ना, और इसका स्मेल अच्छा नहीं होता है आपको बता मालूम होना चाहिए। अब देखिए ये जो है कि यहाँ पर एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन, एमीन के भी बारे में बता दे रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन पहले कैसे पहचानेंगे। जैसे आपके लिखा हुआ है अमोनिया, सपोज दैट अमोनिया है, अमोनिया में एक एक एच हटाते जाइए, जैसे आप NH2 कर देंगे एक एच हटा देंगे AR लग जाएगा, फिर एक एच हटा देंगे यहाँ पर दो आर लग जाएगा, फिर एक एच हटा देंगे तो इस तरह तीन आर लग गए, ठीक। R का मतलब H यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर R का मतलब होगा CH3 या C6H5, दोनों में से कोई भी ले लेंगे। तो इस तरह देखेंगे यह प्राइमरी एमीन हो गया, यह सेकेंडरी एमीन हो गया या और यह टर्शरी एमीन हो गया। पहले तो हम यही पहचान लेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन होता क्या है। इस तरह आप R की जगह कुछ भी रखकर कोई भी बना सकते हैं, जैसे हमने इथाइल एमीन में तो आप देख रहे हैं C2H5 NH2 हो गया ना, तो इस तरह आप देख रहे हैं यह प्राइमरी एमीन है। और एनिलीन लिखा हुआ है तो आर की जगह C6H5 है, इस तरह एनिलीन है। और एक क्लोरोफार्म और KOH लिया है, एल्कोहलिक लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंगे तो एक बनता क्या है, इथाइल आइसोसाइनाइड लिखा है या इथाइल कार्बाइल एमीन लिखा हुआ है, बनता है। आपको CN याद रखना है, साइनाइड होता है, एन सी जहां आ जाए वहां आइसोटर्म यूज होता है। इस तरह ये भी ध्यान, ये डबल बॉन्ड होता है और ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है उसको इसको ट्रांसफर कर देता है, इस तरह ये लिखा देता है आइसोसाइनाइड। इस तरह आपने देखा ये प्राइमरी एमीन रिएक्शन करता है किससे, क्लोरोफार्म QAH से, तब जो है कि आइसोसाइनाइड बनता है। जैसे अगर इथाइल इथाइल आइसोसाइनाइड और फिनाइल फिनाइल आइसोसाइनाइड बना, और यहाँ यह आइसो फिनाइल कार्बाइल एमीन कहते हैं। अब आपको यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, सेकेंडरी टर्सरी एमीन लिखा हुआ है, एलिफैटिक एरोमेटिक, डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। इसका मतलब अगर हम जब डिफरेंस में आएंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन को डिफरेंशिएट करिए कि कैसे पहचानेंगे, तो हम तुरंत कौन सा रिएक्शन याद कर लेंगे, कार्बाइल एमीन रिएक्शन याद कर लेंगे, उसे हम बता देंगे कि कौन सा रिएक्शन जो ये प्रोडक्ट जो बन रहा है या जो रिएक्टेंट है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है। इस तरह हमने आपको कुछ रिएक्शन के बारे में जानकारी दी, फर्दर और भी हम जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कृपया हमें बताएं।